अब्दुल लतीफ, मैं मस्जिद बोल रहा हूँ एडमंटन से। आपने मेरे को फोन किया है, बताएं क्या समस्या है आपकी, क्या मसला है? जी सर, मैं सबसे पहले मैं अभी सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, सऊदी अरब में हूँ। तो किस चीज का? जी मैं इधर फार्मेसी का जो टेबलेट्स वगैरह दवा है, मैं ये सब सप्लाई करता हूँ फार्मेसी में। अच्छा, अपना तो अपना बिजनेस है? नहीं, कंपनी के साथ में कांटेक्ट में है। अच्छा, आप मतलब सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो? जी ठीक है, जी सर। बोलें। तो फिर इधर क्या है? ये वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हम लोगों का। हम लोग खान लोग हैं पठान, थोड़ा बीच में मेरा अंकल थोड़े नाराजगी था। अभी हम उससे कांटेक्ट में है ये तकरीबन 2 साल से। तो वालिद साहब तो अभी फौत हो गए, लेकिन अभी वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं कहाँ और सब कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं, कहाँ पर है वो? ये टोरंटो शहर में, टोरंटो टोरंटो शहर सिटी में। में आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं? स्पॉन्सर मतलब आपको जॉब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन स्पॉन्सर? नहीं, वो उनकी वीडन पे मुझे बुला रहे हैं, वहां पर शादी है और उनके बच्चे भी बड़े हो गए। कभी कभी आते हैं पाकिस्तान में, मिलते हैं, लेकिन पूरा एक साथ नहीं देखो। तो अभी मैंने उसे बोला कि मैं आना चाहता हूँ, तो उसने बोला, वो इधर सऊदी अरब में ही जॉब करता है जो मेरा अंकल है, वो इधर आके इधर 4 कंपनियों का ये कॉन्ट्रैक्ट लेके देता है, बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करा के कंपनी को देता है। तो अभी वो गया है, अभी इस वक्त कराची शहर में पाकिस्तान में, फिर वहां से डायरेक्ट जाएगा कनाडा, तो फिर वहां से दोबारा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा सऊदी अरब में। तो अभी तकरीबन 2-3 महीने के बाद आ ही जाएगा वो। तो वो नहीं, मेरे साथ एम्बेसी भी गया। जी वो सब कहानी अच्छी है, लेकिन वो है कैनेडियन सिटीजन? जी सिटीजन है, कैनेडियन वो कैनेडियन सिटीजन है। सिटीजन है। एक सेकंड, मेरे को जी सवाल दो तीन पूछने भाई, एक सेकंड। वो कैनेडियन सिटीजन है, बिजनेस करते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, सब ठीक है। शादी किसकी है? उसकी बेटी की शादी है, उसकी बेटी की मेरी शादी। शादी है, और बेटी की शादी में आपको वो इनवाइट करना चाहते हैं। इनवाइट करना चाह आपके रहे जी। आपके वो क्या लगते हैं, क्या है, चाचा, ताया, क्या फूफा, क्या लगते हैं, क्या है वो? वो चाचा लग रहे आपके चाचा हैं, तो आप उनकी जी। जो बेटी है उनकी शादी है, शादी कब है? शादी उसका अभी बोल रहे कि उसमें अभी वो बता रहे कि ये जो गर्मी का बोल रहे आएगा सीजन, इसमें जो गर्मी में 4 महीने। शादी है, ठीक है, गर्मी में जी शादी है। तो जी गर्मी में शादी में आपको इनवाइट कर रहे हैं घूमने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। तो जी आपको जाना है, अकेले जाना है, आपकी फैमिली कौन कौन है आपकी फैमिली में? मैं आपको तो फैमिली आवाज आवाज नहीं क्लियर, आवाज नहीं तो समझ आ रही, चाहता कुछ हूँ कुछ आवाज समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। आई एम सॉरी, दोबारा बोले, क्या कौन है आपके घर में? जी। मैं घर वाले जो है उनसे थोड़े से नाराज है, ठीक है, उनके उनसे थोड़े इतने रिलेशन नहीं है, सिर्फ मैं ही उसके साथ में रिलेशन रखता हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आप आ जाओ वहां पर, मैं भी सऊदी अरब में हूँ, वो भी है। मैं उसको एम्बेसी लेकर गया, मैं अपने चाचू को एम्बेसी लेकर गया इधर सऊदी अरब में, कैनेडियन एम्बेसी में। उसने बता दिया कि ये नेफ्यू है, इसको मुझे वेडन पे ले जाना है, क्या इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उसने कहा कि इसके लिए आप ये प्रोसेस है कि वो बैंक स्टेटमेंट और ट्रेवल हिस्ट्री और ये सब चीजें बताया। हालांकि मेरा तो कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है और ना कोई बैंक स्टेटमेंट, हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में। तो उसने बोला ये तो करना पड़ेगा। तो फिर मेरे जाजू ने बोला कि मैं अपना अकाउंट शो करूं तो कुछ ऐसा हो सकता है। उसने बोला नहीं, यही शो करेगा। तो अभी उसके लिए यहाँ पर बैंक बैंक खुलवाने के लिए यहाँ पर गए, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि सऊदियों का अकाउंट खोल लेते हैं, हर एग्जिट जो लोग है बाहर के, पाकिस्तान इंडिया इनके, बड़ी मुश्किल से खुलता है, बड़ा वो सिफारिश करना पड़ता है और कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके बाद जाके अकाउंट खुलता है। ये सऊदी में ये प्रॉब्लम है थोड़ा। हालांकि पाकिस्तान बैंक है मेरा, पाकिस्तान में 3 अकाउंट है, लेकिन यहाँ का अकाउंट हम लोग डायरेक्ट मेरे लेते को हैं। एक सेकंड, भाई थोड़ा सा, चला मैं इसकी जो नंबर्स पकड़ना चाहता हूँ, उसकी चक्कर क्या है सारा। वो डॉक्यूमेंट बने ना बने वो अलग बातें हैं सारी, कि बैंक स्टेटमेंट है नहीं है, किसने खोला, वो डेट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। आप मेरे को ये बताओ कि आपका मकसद क्या है, कनाडा जाओगे शादी अटेंड करने के बाद वापस आओगे कि नहीं? जी मैं वापस आऊंगा और वहां पर उस वो मुझे मेरे साथ यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर उसका हमने फार्म खरीदा है सऊदी अरब में, सर तो सर उसके सर साथ एक में सेकंड, बैठ। भाई भाई साहब, सिर्फ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ जी के जी आपको ओके रिक्वेस्ट ओके करता हूँ कि ओके ओके जितना जी मैं सवाल पूछूँ बस उतना ही जवाब दे भाई, ओके। ठीक है? मेरे को आप बताएं कि आप वापस आएंगे, यस और नो? मैं बिल्कुल आऊंगा हाँ, वापस, ओके। क्योंकि यहाँ अभी पर यहाँ मेरे पर लिए जॉब यहाँ, मेरा। ओके ओके ओके, आई गॉट द आंसर, मेरे को आपका आंसर मिल गया, बस इतना आंसर चाहिए मेरे को। अब यहाँ पर आपका इनकम कितनी है सऊदी में, महीने की कितनी इनकम होती है डॉलर्स में आपकी, $1,000, दो ये हजार डॉलर डॉलर महीने कितनी है? का तो सब मालूम नहीं, लेकिन 4,000 रियाल मुझे मिलता है।
कितने बनते हैं ये डॉलर्स में? ये मैंने कभी हिसाब नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से 35 रुपए एक रियाल का बनता है, तो सर जी मेरे को एक आइडिया, हजार का पैंतीस मेरे एक को हजार आइडिया रियाल का बताएं छोटा 35। सा, डॉलर में कितने? मेरे को नहीं पता कि रियाल में कितना होता है। मैं 1,000 डॉलर से कम है ज्यादा है? कम लग रहा है मेरे को, कमी होगा शायद कम ही लग रहा है। आप मेरे को ये बताएं, आप आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं? जी। 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ है शादी चार हो गई। बच्चे? यहीं पर हैं कि पाकिस्तान में? नहीं वो पाकिस्तान में और आपकी बेगम भी पाकिस्तान में? जी, वो भी पाकिस्तान में। आपको जो कनाडा जाओगे, आप अकेले जाओगे या सारे परिवार को लेके जाओगे? नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा अकेले जाओगे। कितने दिन के लिए जाओगे? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने के लिए? कितने दिन के लिए जाओगे? नहीं मैं तो सर जाऊंगा तकरीबन 4 महीने के लिए। वो कह रहे कि 6 महीने के लिए, लेकिन मैं 4 महीना या 2 महीना, सर जी, 4 से 2 महीना। मैं आपको बता दूं, आपको वीजा वो नहीं देंगे। जी ओके जी मैं आपको शायद बुरा लगे, या हो सकता है कि जो सुन रहे हैं उनको बुरा लगे, लेकिन आपको वीजा वो देंगे नहीं। आपको रिजेक्शन लग जाएगी और आपका पैसा भी खराब हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट वाला जो भी कुछ कर रहे हैं उसका भी पैसा जो वेस्ट होगा लग जाएगा। मेरे को उम्मीद नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा। ठीक आपको शायद माइंड ना करके मेरी बात को, लेकिन मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मेरे को इधर उधर किसी का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे को आपसे कोई फायदा लेना है, ना आपको कोई देना देना हमारा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को उम्मीद कम है कि आपको वीजा मिलेगा। उसकी रीजन, उसका बिल्कुल साफ है, क्योंकि आपकी ना हिस्ट्री है, ना आपके पास कोई स्टैंडिंग है, ना आपके पास कोई इनकम है जिसको लेके के कैनेडियन वीजा ऑफिसर ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप शादी अटेंड करने के, और शादी होगी 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते में शादी खत्म हो जाएगी। तो आप 4 महीने और 6 महीने रहने का सोच रहे हो, रुकोगे वहां पर, और मतलब कि कोई ऐसी सूरत नहीं है जो आपको वो कि उन्हें ऐसा कुछ लगे कि भाई आप जल्दी से वापस आ जाओगे, अब लगता नहीं है कि आओगे। तो इसलिए मर्जी आपकी है। अगर आप चाहें तो आपके जो अंकल जी जो हैं, जो चाचा हैं, जो कैनेडियन सिटीजन है, उनसे मेरी बात करा दें, मैं समझा दूंगा उन्हें। ठीक है सर, मेरे को लगता है कि काम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है। मैं जरा आपको एक एक पेपर दिखा सकता हूँ सर पेपर दिखा दें। पेपर कैसे दिखेगा इसमें, कैमरे में कैसे आएगा पेपर? बता, आप छोड़ो, दिखाए नहीं, आप मेरे को बोल दें, मेरे को बात करें, आप बताएं क्या क्या पेपर में है उसमें। वो उसका अपना जो अपना पासपोर्ट कॉपी है, और जो सऊदी अरब का ही काम है, और मेरा कपिल का जो डॉक्यूमेंट्स, उसने बोले ये फाइल बना दो और ये डायरेक्ट जाके डाल दो एम्बेसी में। नहीं, डाल दो, तो अच्छी बात है, डालनी चाहिए, आप डाल दो। उन्होंने तो $100 लेनी है, उनकी एप्लीकेशन फीस है, आप डाल दो, कोई बात नहीं, कोई कोई ऊपर अल्लाह का कोई करिश्मा ही हो जाएगा, तब आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन वीजा मिलने की कोई उम्मीद हमें लग नहीं रही है। आप डाल दें, आप किसी किसी एजेंट को कांटेक्ट न करें, अपनी 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 तरीके से। आप अपने आप क्यों जहमत कर रहे हैं? आप अपने चाचा को कहें कि चाचा जी मेरे जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, और उनका इन्विटेशन लगा दें, शादी का कार्ड लगाए, उनके जो बैंक स्टेटमेंट लगाए, उनके पास कितने पैसे हैं, कनाडा में कहाँ पर रहते हैं, घर में फलाना, और उसका वो लिख देंगे, ये मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा आएगा, इतने दिन रहेगा और इतने दिन वापस जाएगा। वो बना के सारा वो डाल सकते हैं, और वहां जाने की जरूरत भी क्या है, वो ऑनलाइन डाल देंगे, ऑनलाइन ठीक भी डाल है सकते सर, हैं, वहां पर एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बताए। मैं सिर्फ इसी के लिए आपसे कांटेक्ट किया कि आपसे ये मशवरा ले लूं कि यानी जैसे वो चाहे, अंकल चाहे तो हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। किसी यानी को, जी आपको और चाचा जी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा बैठे बैठे कंप्यूटर पे कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे कर लें, चाहे टोरंटो में बैठे कर लें, चाहे सऊदी में बैठे कर लें। कंप्यूटर में बैठना है, ऑनलाइन आईडी बनानी है, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन भर के अपलोड करनी है, मुश्किल से 1 घंटे या 2 घंटे का काम है। तो उसने मुझे ये कहा कि देखो वो थोड़ा उम्र के पक्के हैं, काफी उम्र है उसकी, तकरीबन होगी हाँ कुछ 70 साल तक। तो हाँ उसने मुझे ये कहा कि देखो बेटे, मुझे तो इस चीज के बारे में ना किसी ने, मैंने कभी आज तक किसी का स्पॉन्सर किया है, ना ये ऐसा वक्त है ना कि जरूरत पड़ा है। तो पूरी फैमिली वहां पर है, तो उसकी एक बेटी ब्रिटिश में शादी हुआ है। उसने मुझे बोला कि तुम जरा मालूम करो कि क्या प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, तो मुझे बताओ ताकि मैं फिर कर लूँ। तो मैंने बोला बेटर ठीक है सर बेटर ये है, जी। बेटर ये है, उनके घर में कोई ना कोई, उनके कोई बच्चे होंगे जिसकी शादी हो रही है, कोई और कोई होगा घर में जो कनाडा में जी रहता है, है जिसको नॉलेज जी है है सब बातों की, उनके पास कंप्यूटर भी होगा। आप उनसे गुजारिश करो कि भाई मेरी एप्लीकेशन आप डाल दो। एप्लीकेशन डाल दो बस यही। हाँ, उनसे कह दो। अगर फिर भी वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई किसी के पास कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, कंसल्टेंट ने कुछ पैसे लेने हैं, उसकी फाइल बनानी है।
लेकिन सारा सारा डायग्नोस करने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा। बाकी मैंने आपको कहा ना कि ऊपर वाले का कोई कोई चमत्कार, कोई करिश्मा हो जाए तो वीजा मिलेगा, लेकिन मेरे को उम्मीद बहुत ही कम लग रही है। सर मैं उसकी जो मेरे चाचा की इसकी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है, वो सब कुछ सब कर चल सकते सब हैं मैडम? चलेगी, सब सब चलेगी। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी चलेगी, उसका आईडी भी चलेगा, उसकी इनविटेशन, उसका जो घर में रहता है, जो उसने टैक्स दिया है वाला दिया है, जो बैंक जो भी कुछ उसके पास है दिखाने को, वो जी सब चलेगा। बात ये नहीं है कि उसका नहीं चलेगा, बात यह है कि आपके पास क्या है। उसके पास तो जो कुछ है जो है, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है। ठीक, तो वो फिर इसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, ऐसा? आप मेरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्या करें आप बताइए। अगर आपके पास इनकम ज्यादा नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाचा जी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसके लिए ना चाचा जी कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आप मुड़ के आप कनाडा से, टोरंटो से वापस आके यहाँ काम करेंगे, उसके लिए ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कुछ कर सकता है। ये सब बातें हैं, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। जो है सो है, आप ट्राई करें। मैं आपको बिल्कुल ही डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको ट्राई करना है करें। ऐसा ना समझे कि मैं आपको मना कर रहा हूं, या आपको मैं दबा रहा हूं, या आपको बोलता हूं नहीं करो, नहीं, या सर, कोई और सोचे, जो जो हमारी ये बातचीत सुन रहा हो वो सोचे कि भाई मैं लोगों को डिस्करेज कर रहा हूं। मैं ना आपको डिस्करेज कर रहा हूं, ना मैं किसी को डिस्करेज, मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल सच्चाई है, मैं आपको शीशा दिखा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि शीशा देखने से आपको कुछ लगेगा कि भाई हाँ, हाँ कि भाई ये हम फेस कर रहे हैं, उसके बाद डिसीजन लो आपके, आप कर रहे हैं ना। मैक्सिमम जो खर्चा आपका, जो नुकसान होगा, आपको $100 वीजा फीस लगनी है, और जो पेपर पर लगाने का जो करने का, हो सकता है कि $100 में, $200-$300 में आपको यस नो का पता लग जाएगा। अगर जो वीजा मिल गया तो जिंदगी लॉटरी खुल जाएगी आपकी, अगर नहीं मिला तो वो जिंदगी भर के लिए रिफ्यूजल का एक ठप्पा लग जाएगा कि वहां भी हम रिफ्यूज हो गए। फिर दोबारा कनाडा करोगे अगले साल, करोगे या अमेरिका करोगे या किसी और कंट्री करोगे, वहां पर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि भाई आपने कनाडा में रिफ्यूज हो गए। इतना समझ लो, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा जी, मैं अभी ये चाहता हूँ कि मेरा ये चाचा के साथ में एक मुलाकात हो जाए, और उसके बाद में फिर मैं किसी दोबारा काम के लिए अप्लाई करूँ, और ऐसा कुछ हाँ, हो सकता है? काम कहाँ पर, कहाँ, कनाडा में? जी कनाडा में नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप शादी का चक्कर छोड़ ही दो। अगर आपके चाचा जी आपके लिए कोई नौकरी ढूंढ देते हैं कनाडा में, जिसके पास जॉब ऑफर हो, प्रॉपर हो, LMI हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। फिर सब बातों का, डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर शादी भी क्या करना आपको, शादी में क्या, शादी तो अगले की होगी। आप अपना काम करो, आप अपना जॉब नहीं, ऑफर लेके मैं तो जाओ, वहां इसलिए पर बोल वर्क रहा से था करो। कि मैं शादी भी अटेंड कर लूंगा, और वो मुझे ऐसे बता रहे थे कि अगर आपकी भाई इंटरव्यू हो शादी जाए। को छोड़ दो, भाई भाई साहब शादी को छोड़ दो। शादी शादी इज नॉट, इट इज इम्पोर्टेंट इवेंट। मतलब शादी, मैं नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना फ्यूचर हमें देखना है। शादी तो अगली की हो जाएगी, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें अपना फ्यूचर देखना है भाई। हमें अपना जॉब लेके काम करके दो पैसे कमाने हैं, पक्के होना है। अगले की शादी हो गई, उस शादी में वो थोड़ी कि आपको पैसे देंगे, आपका कोई फ्यूचर बना देंगे। आप अपने चाचा जी से कहो कि आप मेरे को जॉब का इंतजाम करके दो भाई साहब, वो है सबसे सही बात। ठीक अब है, पते की है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हाँ जी, कि आखिरी बात पूछो, मेरे पास टाइम बहुत कम है भाई। हाँ, बहुत आखिरी बात, हाँ बोलो। मैं उसका कांटेक्ट कैसे कराऊँ आपसे, फिर उसको बोल के आपको आपको कांटेक्ट करे, या आप मैं नंबर सेंड करूँ कि ताकि उसको थोड़ा समझा के बातचीत कर ले उसके साथ में, और तरह नहीं, तरीका उसको बताऊँ? आप ये वीडियो उनको दे देना, वो समझ जाएंगे। और बाकी उनको अगर मेरे से बात करनी है तो अच्छा आपके पास मेरा नंबर है, वो मेरे को कॉल कर सकते हैं कहीं ठीक, से, ओके कनाडा में ठीक कर सकते हैं। ठीक ठीक है है सर। जी, और बाकी अगर कुछ ऐसा कुछ ट्रेनिंग समझाना हुआ उसका मैं कुछ फीस अदा कर सकता हूँ कुछ ऐसा नहीं नहीं आपका? मेरे को आपसे कोई भी फीस नहीं चाहिए भाई। मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने सवाल पूछा, और आपने एतबार करके सवाल पूछा, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को आपसे कोई फीस नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई संगीन मसला है तो फीस लें इसमें। तो मेरे को लगता है कि उम्मीद कम है, इसलिए व्हाट कैन आई डू। मेरे को पता है मैं कुछ कर नहीं सकता, ना आपके लिए ना किसी के लिए। हाँ, नहीं, जॉब मैं मिल आपके जाती है, एक अगर जॉब मिल जाती है तब जरूर कुछ ना कुछ आप याद कर सकते हैं मेरे को। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने थोड़ा सा शिकवा गिला किया था कि देखो आप लोग एजेंटों को इतना देते हो, और जब आप हमारी जब वो आती है, हम इतने मेहनत कर लोगों को तरीका सिखाते हैं, पूरा नहीं, ट्रेनिंग देते हैं, और बात असल में सिर्फ इतनी है कि जी कोई भी वीजा एप्लीकेशन डालनी है, अभी सऊदी में, दुबई में, हर जगह तरह तरह के एजेंट बैठे हैं, वीजा कंसल्टेंट बैठे हुए हैं।
अभी किसी के पास ले जाओगे, फलाना आदमी कहेगा जी मैं आपकी फाइल बना देता हूँ, वो तो फाइल बनाने के लिए हर एक ने मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करने हैं। लेकिन बिल्कुल हाँ मेरा सवाल उनसे ये है कि भाई साहब अगर रिफ्यूजल हो गया तो रिफ्यूजल का जिम्मा कौन लेगा? हाँ बिल्कुल भी तो वो रिफ्यूजल आ का जाएगा उसमें। या तो उसमें इतना जिगरा हो, इतना दम हो कि उसको रिफ्यूजल को अपील करके उसको अप्रूव कराए, या तो कोई कंसल्टेंट लॉयर इतना आपसे बोले कि भाई आप चिंता मत करो आपका रिफ्यूजल हुआ, मैं इस रिफ्यूजल को लड़ूंगा और इसको अपील करूंगा और दोबारा करके 3 बार 2 बार 3 बार करके जब तक आपका अप्रूवल नहीं आता मैं लड़ता रहूंगा, या तो कोई इतना कहे आपको तब तो हम माने कि हाँ भाई ठीक है आप काम करें। फिर ठीक है सर, फिर मैं हर एक ने थोड़े बहुत पैसे लेके अपने आप को ना अपने आप को सेव कर लेना और नुकसान अल्टीमेटली आपका होना है, बस इतना मेरे को कहना है। ठीक है सर, मैं आखिरी बात ये, इसके बाद फिर मैं इजाजत चाहता हूँ। बस आप अगर कांटेक्ट हो जाता है तो इसके लिए आप जो भी चार्ज कोई बात होता है नहीं तो मैं करूँगा। आप कोई जी बात नहीं, देखेंगे आप से देखेंगे चल। उसको अंकल अंकल थोड़ा सा है, अंकल मेरा थोड़ा सीधा है, उसको जरा समझा देना कि वहां से उनको क्या करना है अगर कुछ ऐसा है और ऐसा इजी है कि वहां से वो करे। वो उसने मुझे बोला था कि मैं वहां पर खरीद रहा हूँ वो फार्म, बड़ा फार्म जो जानवर बिकते हैं और वो जो इसमें हर किस्म के जानवर है वो बेचना होगा। बोले ऐसा कर सकते हो? मैंने बोला हाँ, पाकिस्तान में किया है जानवर का सेल्स कर सकता हूँ। तो ठीक उसने है बोला चलो ठीक है, मैं इसके बारे में जाके मैं इस मरतबा जब जाऊंगा कनाडा तो इस बारे में मैं अपने बेटे से मशवरा भी करूंगा, और एक बार मेरे नजर में अगर वो उससे बात बनती है तो फिर इसके लिए फिर मैं, ये भी तरीका सही है। तो अगर आप कांटेक्ट हो जाते हैं प्लीज सर, उसको थोड़ा सा उसे ठीक है मैं इन्फॉर्मेशन बात भी ले लीजिए और उसको जरा रिक्वेस्ट भी कीजिए। आप फिर जो भी होगा मुझसे बोलिए, फिर मैं जो भी होगा आपका चार्ज आपको मिल जाएगा। ठीक है ठीक है थैंक यू सर, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक ठीक है खुदा है हाफिज। शुक्रिया।